हाय फ्रेंड्स, अर्चना फूड मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। खिचड़ी गांव में बोलते हैं क्या, मतलब सैटरडे को खिचड़ी बना के खाना चाहिए, जो भी हमारे ऊपर ग्रह है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे मतलब बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं हमारे गांव में। तो आज हम चलिए खिचड़ी बनाते हैं, और किस तरह से हमारे गाँव में बनता है बिहार में, हम वो आपको बताएँगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम 3 कप चावल लिए हैं और 1 कप दाल लिए हैं, ज़्यादा नहीं, 1 कप दाल, 3 कप चावल। और इसमें हम अभी खिचड़ी बनाएंगे, मतलब इतना कम चावल डाले और इतना में ही हम हो जाएगा हम लोग को खाने में, क्योंकि पानी ज़्यादा लगता है इसमें और चावल कम लगता है, और ये जब पक जाता है तो पूरा घुल जाता है, इसके लिए हम कम चावल लिए हैं। 3 कप मतलब जो हम चाय पीते हैं ना, बस उतना सा कप से हम 3 कप लिए हैं, और 1 कप दाल लिए हैं। तो चलिए हम इसको धो लेते हैं, और एक टोप लेके धो लेंगे और उसमें हम पकाएंगे। तो ये देखिए, इसमें हम दाल भी डाल के और धो लेंगे। तो चलिए अब धोते हैं। तो फ्रेंड्स, हम धो लिए हैं, अब गैस पे चढ़ा देते हैं और गैस को जला देते हैं। हमारी गैस जल गई है। तो ये देखिए, थोड़ा गर्म हो चुकी है, और हम पानी ज़्यादा मतलब डाले हैं, क्योंकि पकने के बाद भी हमें उसमें पानी चाहिए, गाढ़ा चाहिए, सूखा नहीं बनाना है हमें, इसलिए हम ज़्यादा पानी डाले हैं। और इसमें हम मसाला डालेंगे, अभी फ़िलहाल में हम सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे, उसके बाद पकने देंगे, उसके बाद हम जो भी मसाला डालेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, वो सब हम बाद में डालेंगे। तो चलिए हम नमक हल्दी डालते हैं। तो फिर जितना हल्दी लगेगा उस हिसाब से आप डालिए। और खिचड़ी भी हमारा ज़्यादा है तो हम उसी हिसाब से नमक भी डालेंगे। नमक हम इसलिए अभी डाल रहे हैं कि वो जल्दी से पक जाए, और हम सब मसाला बाद में डालेंगे जब पक के हो जाएगा उसके बाद। तो ये देखिए, इतना में हम, ये छोटा चम्मच है, इसके लिए हम 3 चम्मच डाल चुके हैं, तो इसमें नहीं होगा 3 चम्मच में, तो हम और डालते हैं। अब हो जाएगा मेरा, और ये एक बार इसमें उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद हम कम कर देंगे गैस को, और हमको लगता है 20 से 25 मिनट लग जाएगा इसको पकने में, क्योंकि हम इसमें दाल भी डाले हैं, मिक्स वाला दाल डाले हैं, तो इसके लिए 20 से 25 मिनट लगेगा, क्योंकि उसमें चना का दाल है तो वो जल्दी पकता नहीं है, और ये ज़्यादा चावल को भी पकाना है हमें। और पकने के तक हम अब ढक देते हैं, अभी उबाल आया नहीं है इसलिए हम कम नहीं कर रहे हैं गैस को, एक बार उबाल आ जाए उसके बाद हम कम कर देंगे, और अभी हम पूरा नहीं ढकेंगे जब तक उबाल ना आ जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, उबाल आ चुका है और हमारा चावल गिरने लगा है, इसलिए हम कम कर देते हैं। ये देखिए, एकदम कम हो गया है। ये देखिए, अब इसको हम इस तरह से ढक देंगे, और अब हम ढक के 25 मिनट से, अगर ज़्यादा लग जाए तो चलेगा, पर 25 मिनट से कम नहीं लगेगा, इसलिए हम ढक के अब छोड़ देते हैं धीमी आंच पे पकने के लिए। और तब तक हम इधर तड़का के लिए जो सामान लगेगा हमें, वो सब हम निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने तड़का लगाने के लिए, देखिए मैंने क्या क्या लिया हूँ, धनिया पत्ता, मिर्ची, लहसुन, टमाटर और एक कांदा, और मैंने ये देखिए चेंज कर दी, क्योंकि ज़्यादा हो गया, इतना सा चावल में बहुत हो गया, इसके लिए मैंने ये चेंज कर दी हूँ, टोप से निकाल के कढ़ाई में डाल दी हूँ,
और ये अभी पका नहीं है, इसको मैं पकने देती हूँ, जब पक जाएगा तब हम तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स मेरा खिचड़ी तैयार हो चुका है, देखिए पक गया है और अब इसमें हम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक बड़ा चम्मच और मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर हम कम डालेंगे क्योंकि हम मिर्ची का तड़का भी लगाने वाले हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हम अभी इसमें तेल डालेंगे टॉप में, इसमें हम तड़का लगाने वाले हैं, इसके लिए हम तेल डाल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि खिचड़ी ज़्यादा है। और इसमें अब हम डालेंगे 5 फोरन, ये देखिए इस तरह से होता है, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, और अब डालेंगे हम मिर्ची और लहसुन काट के रखे थे वो वाली, ये देखिए और अब डालेंगे प्याज, थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। ये देखिए हमारा इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हम खिचड़ी में डाले हैं बस इसमें टमाटर डाले हैं और प्याज, इसके लिए हम थोड़ा नमक डालते हैं। इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, टमाटर पक जाएगा उसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा तड़का। फ्रेंड ये देखिए मेरा तैयार हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको हम मिक्स करके रखे हैं मसाले को, और अब हम इसको डाल देंगे इसमें, ये देखिए इस तरह से डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए मेरा मिक्स हो चुका है, तड़का हो के रेडी हो गया है, अब हम इसको ढक लेते हैं थोड़ा देर। तो हम अब चोखा रेडी कर लेते हैं, ये देखिए 2 प्याज 2 मिर्ची काटे हैं, नमक तेल डाले हैं, इसका चोखा तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स हम खिचड़ी को तड़का लगा के ढक दिए थे 5 मिनट के लिए, वो इसलिए कि हम तड़का लगाए थे तो ढकने के बाद वो अंदर ही रहता है, उसका तड़के का जो स्मेल रहता है, इसके लिए हम ढके थे। तो अब हम निकाल लिए हैं, तो हम बताते हैं किस तरह से सर्व किया जाता है। हम ऊपर से थोड़ा धनिया डालते हैं इसमें, और उसके बाद जब हमें सर्व करेंगे तो उसमें हम घी डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए खिचड़ी चोखा रेडी है, और इसमें एक चीज़ बाकी है जो हम अभी आपको बताए थे, वो है घी, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं, और उसको इस तरह से मिक्स कीजिए। ये देखिए ठंडी है तो थोड़ा घी ये हो गया है, सख्त है, ये देखिए इस तरह से,
अभी ये गर्म है तो अभी पिघल गया है, और आप ऐसे मिक्स कीजिए और खाइए। और अब खा के बताइए कि कैसा लगा है। ये स्पेशली हमारे बिहार में बनता है, बाकी का पता नहीं, हमारे इधर इस तरह से बनता है और हर सैटरडे को हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए एक बार, बना के खाइए और कमेंट में बताइए कैसा बना है। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।